परवेज इलाही को दे दिया है। परवेज इलाही ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं। ब्यूरो चीफ खाबर अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी खाबर, पूरी गलबन लाइन ड्रॉप हो गई है जी। चलें खाबर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये परवेज लाही ने एक बार फिर ये बता दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं, और परवेज लाही की अपनी पूरी पार्टी ने अब मामला और इख्तियार परवेज लाही को दे दिया। और ये परवेज लाही से पहले भी अपने ट्वीट्स के जरिए, अपने इंटरव्यूज़ के जरिए और मोनिस लाही कई बार इमरान खान से मुलाकात करके ये बताते रहे हैं कि काफ लीग इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इत्तेहादी है और साथ चलना है, और असम्बलियों की तहलील का इख्तियार तो जाहिर है कि वो इमरान खान को पहले ही दे ही चुके हैं। जैसे खबर अब्बास से रब्ता करते हैं इस दौरान। जमील, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि काफ लीग साथ छोड़ने वाली इस वक्त है नहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। नून लीग ने बहुत कोशिश की, पीडीएम की तमाम जमातों ने बहुत कोशिश की, चौधरी शुजात से मुलाकातें रहीं, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। खबर अब्बास आ गए हमारे साथ बोल न्यूज़ के लाहौर के ब्यूरो चीफ में। खबर बताइएगा कि काफ लीग की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, अंदर से क्या खबरें आई हैं आप तक? देखिए अरबाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था। ये जो मौजूदा सूरत हाल थी, चूँकि तहरीके इंसाफ और काफ लीग इरादा रखती है कि तहरीके अदम एतमाद जो जमा करवाई गई अपोजिशन से उस पर वोटिंग करवाएगी, तो पार्लिमानी लीडर जो होता है उसके अहकाम बड़े ज़रूरी होते हैं आइन